हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे लूनर एक्लिप्स पे, यानी कि हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण पे, यानी कि चंद्र केतु की युति के बारे में और चंद्रमा राहु की युति के बारे में। या आपकी कुंडली के अंदर अगर केतु चंद्रमा को देखता है, यानी कि चंद्रमा के त्रिकोण में केतु बैठा हुआ है या राहु के त्रिकोण में चंद्रमा बैठा हुआ है, तब भी ये सारी बातें आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। और दूसरा, चंद्र ग्रहण है कल 5 तारीख को लिब्रा यानी कि तुला राशि में ये ग्रहण लग रहा है, और शुक्र की राशि है, विशाखा नक्षत्र में ये रहेगा आपका ग्रहण। तो विशाखा जो नक्षत्र है वो आप ऐसे इसको आप ऐसे समझे कि इट्स लाइक या दो दो ब्रांचेस को रिप्रेजेंट करता है। दो ब्रांचेस जैसे दो शाखा किसी पेड़ की दो टहनिया की टहनियों से कोई आगे को जो शाखा निकलती है, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। ये वी शेप बनाता है, वी शेप दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, पर्सपेक्टिव है, देखने का एक नजरिया है, जैसे या तो दो चीजें वहां से निकल रही है ना, मतलब एक कोई चीज थी और वो दो हिस्सों में बंट रही, या दो चीजें एक जगह पे आके मिल रही। तो विशाखा के अंदर क्या है, विशाखा के अंदर सेपरेशन भी है और मिलना भी है, इंटरसेक्शन पॉइंट भी है। जैसे आप देखेंगे नेचुरली, मैं अभी जो बैठा हूँ एक इंटरसेक्शन पॉइंट के पास बैठा हूँ, तो दिस इज हाउ द एनर्जी गेट मैनिफेस्टेड, है ना। सो जबकि मेरा ऐसा था नहीं, बट मैं कहीं बाहर हूँ तो मुझे कोई जगह नहीं मिली, तो मैंने सोचा यहीं पे बना लिया जाए। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, बस इसी वजह से, क्योंकि मैं हूँ नहीं अपनी जगह पे जहाँ से मैं बनाता हूँ। तो द इंटरसेक्शन जो पॉइंट है ना, दो चीज़ें जहाँ मिल के आती है, दस लाइक वी, या तो दो दो चीजें वहां मिलती हैं या वहां से एक चीज दो हिस्सों में बढ़ जाती। तो जिनके चार्ट में, जैसे जिनके चार्ट में लिब्रा अफेक्टेड है, तो रिलेशनशिप को लेकर के प्रॉब्लम आ सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकता है, है ना। दूसरी चीजें हो सकता है, शादी भी हो, मैंने कहा विशाखा के अंदर क्या है, इट्स लाइक दो चीजें एक जगह मिल रही हैं, तो हो सकता है दो लोग मिल रहे हो, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है। लेकिन मैं आपको एक टिप देता हूँ, लेट मी गिव एन टेक्निक, है ना, हाउ टू सी कि आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली के अंदर आप ये देखें कि शुक्र ने किस ग्रह के साथ युति बनाई, अगर शुक्र ने केतु के साथ, शुक्र ने चंद्रमा के साथ, या शुक्र ने चंद्रमा केतु के साथ युति बनाई, या शुक्र चंद्रमा केतु के ट्राइन में बैठा हुआ है, ठीक है, या आप ये देखें कि लिब्रा साइन के अंदर कोई खराब युति बनी हुई है, तो वो एक्टिव हो जाएगी। जैसे मून केतु इन लिब्रा, मून केतु लिब्रा, मैंने कहा था कि जैसे मैं आपको बताऊँ मून केतु के बारे में, सो मून केतु लिब्रा के अंदर लक्ष्मी योग भी बना देता है, बिकॉज मैंने कहा था मून इज द वाटर, केतु इज द रूट। सो ऐसी लड़कियां जिनका नाम अनुश्री होता है, जिनका नाम लक्ष्मी पे होता है, या हेमलता होता है, या इनकी मदर या इनकी बहन का नाम किसी बेल या लक्ष्मी जी के नाम के साथ जुड़ जाता है, है ना, या कोई कमल का फूल, कमल का रूट, रूट जड़ या बेल पे किसी का नाम आता है घर के अंदर, जैसे किसी महिला का, मदर का, मदर की, मदर का, बहन का, या खुद का भी आता है। जैसे फीमेल के चार्ट में किसी के मून केतु लिब्रा का हो, वीनस मरकरी के साथ हो, या मून केतु लिब्रा का हो, मरकरी नेक्स्ट हाउस में बैठा हो, मून केतु लिब्रा का हो, मरकरी उसके ट्राइन में बैठा हो, बिकॉज मून इज द रूट, केतु इज द, सॉरी, मून इज द वाटर, केतु इज द रूट, मरकरी इज द लीफ। सो इट्स लाइक, एंड ये लिब्रा साइन में है, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, सो वीनस इज अ फ्लावर, लोटस फ्लावर। सो इट्स लाइक लोटस पे किसी का नाम होना, रूट पे किसी का नाम होना, ये सारी चीजें आप पाएंगे मून केतु वालों के चार्ट के अंदर। बिकॉज मैंने आपको ये बताया कि मून केतु हमेशा खराब नहीं होता, तो हो सकता है आप लोगों के लिए लक्ष्मी योग बनाए, हो सकता है किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए और वो लक्ष्मी तुल्य हो जाए आपके लिए। सो हमेशा खराब नहीं है। आप क्या देखें कि शुक्र के साथ जो ग्रह, अगर शुक्र केतु, शुक्र चंद्रमा की युति है, या लिब्रा साइन में शुक्र चंद्रमा या शनि केतु, शनि शुक्र की युति बनी हुई है, मेनली क्या देखना है कि शुक्र के साथ कोई चंद्रमा का ट्राइन कनेक्शन या केतु का कुछ युति तो नहीं बनी है, ये देखना है, वो एक्टिव हो जाएगा आपका, उस अनुसार आपको रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है आपको वेल्थ मिले, हो सकता है आपके वाइफ को साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाएं, यूट्रस फाइब्रॉइड से रिलेटेड इशू हो जाएं। मेनली अगर जो देखा जा रहा है वो ये जो ग्रहण है, रिलेशनशिप जिनका चार्ट बहुत प्रोन है नेगेटिव एनर्जी को लेकर के, मुंडन लेवल पे अगर देखेंगे तो किसी महिलाओं के लिए ना, महिलाओं के लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कुछ बड़ी एक्ट्रेसेस या रॉयल फीमेल के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना, यूट्रस फाइब्रॉइड से रिलेटेड इश्यूज बढ़ सकते हैं, ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, ठीक है। बाकी ये धन योग, लक्ष्मी योग भी बनाता है, तो आप ये जरूर देखें। टेक्निक क्या है, समराइज कर देता हूँ, कि
आप ये देखें, क्योंकि ये ग्रहण शुक्र की मूल त्रिकोण राशि में लग रहा है, तो आप ये देखें कि आपके शुक्र के साथ किस ग्रह की युति है, वहां पे चीजें एक्टिवेट होंगी टेम्पररी। ठीक है, अगर शुक्र चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, अगर शुक्र केतु के साथ बैठा हुआ है, या शुक्र के नेक्स्ट हाउस में चंद्रमा केतु की युति है, या शुक्र के त्रिकोण में चंद्रमा केतु है, तो ये युति एक्टिव हो जाएगी, या तो पैसा देगी या पैसा खर्च करवाएगी। यूट्रस फाइब्रॉइड से रिलेटेड इशू, मदर और वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होना, उसकी वजह से मानसिक तनाव, ये सारी चीजें हो सकती है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। विशाखा नक्षत्र मैंने कहा मिलाता भी है और डिवाइड भी करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर बर्थ चार्ट। चलिए अब हम बात करेंगे चंद्रमा केतु की, बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ केतु की। देखिए राहु केतु को अगर हम समझें, राहु केतु का हम ऐसा समझें कि राहु केतु ने जब प्लैनेट्स के बीच में उनको रोल दिया गया, तो ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा कि एज अ प्लैनेट हम करेंगे क्या। सो केतु को आप देखेंगे उसका हेड नहीं है ना। हेड क्या होता है, हमारे ईगो जो होती है हमारे दिमाग में होती है, हेड में होती है ईगो। केतु ईगो को कम करता है, यानी कि वो निचला पार्ट दिखाता है, यानी कि हमें बेंड होना सिखाता है, यानी कि हमें झुकना सिखाता है, सेक्रीफाइस करना सिखाता है केतु। इसीलिए केतु मोक्ष का कारक है। केतु बारहवें भाव मीन राशि में अच्छा माना जाता है, बारहवें भाव का कारक है केतु। जब मोक्ष की बात होती है ना, बारहवें भाव मोक्ष का भी है, हॉस्पिटल का भी है, फॉरन का भी है, तो जो वहां के कारक है ग्रह वो अलग अलग है। तो जब बारहवें भाव में मोक्ष की बात होगी तो केतु की बात होगी, इसीलिए, क्योंकि आप देखिए लगन से बारहवां, लगन क्या है, लगना इज योर ईगो। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपके अंदर ईगो डेवलप होता है, चाहे वो थोड़े ही लेवल पे हो, लेकिन सबके अंदर ईगो डेवलप होता है। सो केतु का काम क्या है, ईगो को कम करना, झुकना, यानी कि अल्टीमेट मुक्ति, मोक्ष। मोक्ष यानी आपके अंदर वो सेक्रीफाइस की भावना लाना। सो केतु का काम क्या है आपके चार्ट के अंदर, कहीं पर भी हो झुकना सिखाता है, और केतु डिस्चार्ज करता है राहु को। केतु हमारी जिस भी ग्रह के साथ कंजंक्ट होता है केतु, तो वो एक ऋण को बताता है कि इस वर्ष में हम वो ऋण को खत्म करेंगे। बिकॉज केतु वो कैसा भी हो सकता है, वो पेनफुल भी हो सकता है, आप मजे मजे से आप करें, है ना। जैसे मून केतु की युति में मैंने आपको बताया केतु क्या है, केतु ब्रिज भी है, केतु ब्रिज भी है, केतु एक पतली लेन भी होता है, केतु ऊपर जाती हुई चीज भी है, हाइट भी है, केतु झंडा भी है, केतु दो एक तार भी है, वायर है ना। नाड़ी ज्योतिष में केतु पीछे वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी पीछे का जो हिस्सा है उसको भी केतु रिप्रेजेंट करता है, केतु इंटरसेक्शन पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करता है, केतु सर्जरी भी है, कुजवत केतु से केतु कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो हमेशा मोक्ष और वो सारी चीजें नहीं देखी जाती, कई बार इससे कॉन्फ्लिक्ट भी देखा जाता है। अब हम राहु की थोड़ी बात करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। राहु क्या है, राहु के अंदर हेड है, यानी राहु के अंदर ईगो है, राहु के अंदर बहुत सारे डिजायर है। राहु जहां पर भी बैठेगा आदमी वहां पे अपने वहां दिमाग से खेलता है, दिमाग से काम लेता है, यानी कि वो वहां पे जो भी बनाएगा वो अपनी कुटिल बुद्धि या चालाकी से खेलेगा। जैसे राहु सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड के साथ हो तो शब्दों के साथ खेलता है, इसीलिए कहते हैं राहु दसवें दुनिया भसवें, क्योंकि वहां से राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर जाती है। मैनिपुलेटिव, अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे, है ना, मतलब दोनों, चित्त भी मेरा पट भी मेरा। तो राहु क्या है, दिमाग है, राहु के पास सिर्फ दिमाग है, इसीलिए राहु सबसे तेज कुशाग्र बुद्धि वाला प्लैनेट है, तेज दिमाग। ठीक, तो राहु के अंदर ईगो भी है, राहु के अंदर डिजायर है। तो जब उनसे पूछा, ब्रह्मा जी ने उनको स्थान दिया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर झुकने की वो चीज नहीं है, तुम्हारे अंदर क्या है, ईगो है, तुम्हारे पास हेड है। तो राहु का काम क्या होता है, डिजायर। राहु हमें मोक्ष में बाधा देता है, इसलिए एक्वेरियस जो कालपुरुष कुंडली की 11वीं राशि है वहां का कारक सबसे बड़ा राहु है, शनि राहु। बट राहु नेचुरल बाधक है, डिजायर्स हमारे मोक्ष यानी बारहवें भाव के बढ़ने में जो है हमारी डिजायर्स हमें रुकावट पैदा करती है। तो ये राहु की बात हो गई। राहु और क्या चीज है, राहु वास्टनेस है, राहु राउंड चीजों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन राहु और केतु नॉर्थ नोड और साउथ नोड है चंद्रमा के, और चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। मून इज द कॉज ऑफ बर्थ, बिकॉज मून पास्ट लाइफ वासनाज और डिजायर्स को लेके चलता है, वो पास्ट लाइफ के रिफ्लेक्शंस को और पास्ट लाइफ की जो स्मृतियां हैं उसको लेके चलता है। और इसीलिए मून जिस नक्षत्र में वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, इसीलिए मून जिस नक्षत्र में उसकी दशा चलती है। जो सोच रहे थे अंतिम समय में वही चीजें, जो एक्सपीरियंस कर रहे थे, जो बोल रहे थे दूसरों को, जैसा माहौल बना रहे थे अपने लिए, वैसा ही आप नेक्स्ट बर्थ में एनवायरमेंट पाते हैं। तो चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड इसीलिए इंपॉर्टेंट है, कैसा माहौल मिलेगा आपको, कैसा परिवार मिलेगा,
तो इसीलिए जब आप मृत्यु के करीब हो या हमेशा आपको अच्छा सोचना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, शांति रखें अपने जीवन में, ज्यादा लालसाएं ना रखें, है ना। केतु की तरफ जाएं, राहु की तरफ मत जाइए, मून को राहु की तरफ मत लेके जाइए अपने जीवन में, ठीक है, केतु की तरफ लेके जाइए, मुक्ति की तरफ लेके जाइए। तो इसीलिए ये चंद्रमा यानी कि हमारी पास्ट लाइफ की वासना और डिजायर्स को राहु केतु सबसे ज्यादा गवर्न करते हैं और वक्री होते हैं। इसीलिए हमारे पूरा जीवन देखो क्या है, केतु इज अ गिवर, केतु डिस्चार्ज करता है, केतु इज डिस्चार्ज योर कर्मा, ठीक है। राहु एक्सेप्ट करता है, राहु लेता है, तो हमारी पूरी जिंदगी लेने और देने में निकलती है। दैट्स व्हाई द इन नाड़ी ज्योतिष द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फीमेल इज रिप्रेजेंटेड बाय राहु, ठीक है, और प्राइवेट पार्ट ऑफ द पर्सन ऑफ द मेल इज रिप्रेजेंटेड बाय केतु, बिकॉज इट गिव्स, इट डिस्चार्ज, राहु एक्सेप्ट। अगर ये लेने और देने का जो प्रोसीजर है वो रुक जाए धरती पे, तो पूरा लाइफ साइकिल रुक जाएगा। दैट्स व्हाई केतु इज अ गिवर एंड राहु इज अ एक्सेप्टर। सो राहु इज एज एक्ट एज अ एक्सेप्टर, राहु दे नहीं सकता, राहु छीनना चाहता है, राहु एक्सप्लॉइट करना चाहता है, ठीक है। तो ये राहु का एक स्पिरिचुअलिटी में बाधा उत्पन्न करता है, हालांकि मटेरियलिस्टिकली हमें चीजें राहु बहुत देता है। ये एज पर नाड़ी है, आप चीजों को समझे कि केतु के जितने भी कारक है, जैसे साइलेंसर है, ठीक है, जैसे आपका गाड़ी का साइलेंसर हो गया या बाइक का साइलेंसर हो गया, वो केतु है। आप ये देखिए कि जो घर की जो चिमनी है, हमारे जो किचन की चिमनी होती है, वो भी केतु है। निकलता क्या है वहां से? राहु निकलता है। सो केतु इज नथिंग बट इज अ वे ऑफ डिस्चार्जिंग योर राहु। वो आपने जो भी कर्म एक्यूमुलेट किया रहता है, जो भी डिजायर एक्यूमुलेट कर रखते हैं आप लोग, जो सोचते हैं हम लोग सब, है ना इंसान, वो केतु के थ्रू डिस्चार्ज होता है। सो केतु अल्टीमेट ब्लिस देता है आपके चार्ट के अंदर, केतु के नक्षत्र में। केतु की तरफ जितने ज्यादा प्लैनेट होते हैं उतना आपको अमृत की प्राप्ति होती है, क्योंकि देवताओं ने क्या पकड़ा था? टेल पकड़ा था, केतु टेल है, है ना, और राक्षसों ने राहु को पकड़ा था, यानी कि मुंह को पकड़ा था जब अमृत मंथन हो रहा। तो अमृत मिला किसको? जिन्होंने टेल पकड़ा था, यानी जो केतु को पकड़ते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, यानी कि वो अल्टीमेट चीजों को, अल्टीमेट ब्लिस को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अच्छा, मोक्ष का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप मुक्ति, फाइनल मुक्ति की तरफ ही जाए, नहीं। मोक्ष बहुत सारी चीजों से देखा जाता है, जैसे किसी केतु रिलीफ है, एक्चुअली केतु इज द रिलीफ, रिलीफ मिलना, जैसे आपको कोई डिजीज हो गया, आपको ऑपरेशन हुआ, रिलीफ मिला, तो इसलिए केतु सर्जरी का भी कारक है। किसी चीज को छोड़ना, किसी चीज के पीछे पड़ा रहना, जैसे केतु मरकरी है, कॉन्फ्लिक्ट है जी, फ्रेंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, या जो आप सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसमें मन नहीं है, तो उसको बीच में छोड़ देना, आपको रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो किसी चीज को छोड़ना भी एक रिलीफ होता है। तो चलिए हम बात करें चंद्रमा केतु की, केतु और राहु के कारक तत्वों के, आई थिंक आपने समझ लिया। अब बात करें चंद्रमा केतु की युति। देखिए, चंद्रमा केतु की युति में चंद्र ग्रहण तब बनता है जब आप ये देखें कि केतु चंद्रमा की डिग्री की तरफ ज्यादा जा रहा हो, चंद्रमा केतु की डिग्री तरफ जा रहा हो, तब ये चंद्रमा प्लस केतु होता है। जब केतु चंद्रमा को क्रॉस कर ले तो केतु प्लस चंद्रमा हो जाता है, ठीक। तो इसमें जो ज्यादा इंपैक्ट केतु का रहता है वो तब रहता है जब चंद्रमा केतु की तरफ जा रहा होता है। जब एक बार केतु को क्रॉस कर लिया चंद्रमा ने, तो यानी मन, माइंड उस डिटैचमेंट से बाहर है। इसलिए चंद्रमा केतु जहां पर भी होता है चार्ट के अंदर, आपको डिटैचमेंट, आपको ब्रेक लेने की सोचता है, वहां पर आप चीजें छोड़ देना चाहते हैं। चंद्रमा केतु 10th हाउस में, और मेंटली आप वहां से अब्सेंट हो जाते हैं, आइसोलेशन, चंद्रमा केतु आइसोलेशन की तरफ लेके जाता है, बिकॉज मून इज मूविंग टुवर्ड्स केतु। मदर भी आइसोलेशन में रहना पसंद कर सकती है, अंटिल मर्करी इज देयर और वो सारी चीज। मदर कॉन्फ्लिक्ट में आ सकती है, देखो एक कॉम्बिनेशन होता है मदर का फादर से सेपरेशन होने में जल्दी, मून केतु। मून केतु अगर किसी के चार्ट में, तो इट रिप्रेजेंट दैट यू हैव अ मातृ कर्मा, यानी कि आपके चार्ट में मातृ ऋण है। इस वर्थ में आप मदर से जुड़े हुए ऋण को खत्म करने के लिए आए, ठीक। चंद्रमा केतु की तरफ जा रहा हो अगर, और आपको चीजों की गहराई में जाना, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, ज्योतिष की तरफ आपको लेके जाएगा। चंद्रमा केतु घर ऐसी जगह पे हो सकता है जो शहर से थोड़ा दूर होता है, जहां पे पैदल ज्यादा चलना है, जहां पे एकांत ज्यादा हो, जहां पे आप आइसोलेशन फील करते हैं, जैसा आपको लगे कि यहाँ तो कोई है ही नहीं,
कई बार रोड ऐसा होता है जहां पे थोड़ा दुर्लभ, एक एक कहते हैं ना कि एक ऐसा एरिया है जहां से आपको मेन रोड से बहुत दूर जाना पड़ता है, एकांत में है, आइसोलेशन में है ना। केतु हाइट को भी रिप्रेजेंट करता है, केतु फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसी जगह पे घर हो सकता है जहां बहुत हाइट में हो सकता है, या फ्लैग हो सकता है, फ्लैग यानी कि कोई मंदिर हो, कोई चर्च हो आसपास। मून केतु वीनस के साथ मरकरी के साथ कुछ संबंध बाय, मून केतु के नेक्स्ट हाउस में मरकरी हो, मून केतु लिब्रा का हो। मैंने कहा आपका नाम लक्ष्मी के नाम के ऊपर हो सकता है, आपका नानी के यहाँ पे बर्थ होना, नानी के साथ आपका कर्म बहुत ज्यादा जुड़ना, ये सारी चीजें। मैंने कहा बेल, किसी बेल के ऊपर, या किसी जैसे किसी की मदर का नाम या बहन का नाम लता होता है ना, किसी बेल के ऊपर, किसी रूट के ऊपर नाम रखा जाता है, स्पेशली फीमेल की चार्ट में अगर ये है तो पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। ठीक है, तो मून केतु गहराई में ले जाना। जैसे मून केतु क्या होता है, मून केतु बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे मून वाटर होता है, केतु जड़ होता है। तो आप देखिए कि बहुत बार कुछ लोग क्या करते हैं, जड़ से इलाज करते हैं या पानी का छिड़काव करते हैं किसी जड़ से, किसी पौधे की जड़ से, कुछ ऐसा इस तरीके से। तो मून केतु इंट्यूशन भी देता है, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, सबकॉन्शियसली चीजें करते हैं, इसलिए मून केतु वाले अब्सेंट माइंडेड पाए जाते हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी। क्यों? क्योंकि चंद्र लग्न में केतु बैठ गया, चीजें छोड़ना चाहते, एक समय पे आके वो किसी उलझन में नहीं पड़ना चाहते, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते, वो चाहते हैं मैं छोड़ दूं, मुझे शांति चाहिए, बस आइसोलेशन चाहिए। वो जहां पर भी जाएंगे वो आइसोलेशन में पाएंगे अपने आप को, अब्सेंट हो जाएंगे। मून केतु जहां पर भी आपके चार्ट में, मून केतु सेवेंथ हाउस में, आप अपने वैवाहिक जीवन भले ही चलता रहे है ना, लेकिन हो सकता है आप वहां से अब्सेंट हो जाएं, अब्सेंट माइंडेड हो जाएं आप वहां पे। मून केतु टेंथ हाउस में वर्क प्लेस में क्या है, अब्सेंट माइंडेड है आप, कहीं और खो जाते हैं आप, स्प्लिट हो जाते हैं आपका कंसंट्रेशन। क्या होता है कि एक चीज के पीछे बहुत ज्यादा घुस जाना और फिर कॉन्टिन्यूसली उसी के बारे में सोचता रहना, ये मून केतु करता है। ज्योतिष में तो हर वक्त ज्योतिष ही सोच रहा है वो। मून केतु क्या करता है, केतु पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट के थॉट बहुत ज्यादा आना, पास्ट में रहना, पास्ट से गेट रिड ऑफ ना कर पाना। क्योंकि एक चीज है, आप देखेंगे एरीज लियो और धनु राशि में केतु के नक्षत्र है, सोल बॉडी और जीव, यानी कि इस धरती से अटैच करने में केतु का बहुत बड़ा रोल है, क्लिंजिंग। सो केतु इज आल्सो क्लिंजिंग, ओवर पोजेसिव हो जाना, छोड़ नहीं पाना, इजीली नहीं छोड़ पाते। लेकिन भले ही आप अट्रैक्ट होते हैं जहां पर केतु होता है, वहां भले ही आप क्लिंज करते हैं, बट वहां पे केतु की तरफ नहीं जाते हैं आप, मतलब वहां पे आप ज्यादा क्लिंज नहीं बल्कि आप अब्सेंट हो जाते हैं वहां पे। ठीक है, इसलिए केतु इन द टेंथ हाउस, केतु इन द कैप्रिकॉर्न, आप कई बार अपने वर्क प्लेस से साइड में हो जाते हैं, या आप सबसे एकांत में रहकर काम करना चाहते हैं। मून केतु जहां रहते हैं वहां कोई ब्रिज हो सकता है, जैसे मून केतु की जो एनर्जी है, जैसे ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला है, मून इज द वाटर है ना, केतु इज द हॉली प्लेस, तो मून केतु हॉली प्लेस है ना, जैसे गंगा नदी बहती है जहां से, हरिद्वार की जो एनर्जी है वो मून केतु है, हावड़ा ब्रिज मून केतु है। ठीक है, ऐसी जगह जो लक्ष्मी से जुड़ी हुई है बहुत ज्यादा, मून वीनस केतु है वो। ठीक है, सो बहुत जगह पे, खास करके ऐसी नैरो लेन, जैसे कोई नहर होता है, जैसे कोई नहर होती है, जैसे कोई नदी होती है जो बहुत एक नैरो उसमें बह रही है, वो भी मून केतु रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मून इज द वाटर, केतु कोई नैरो जगह पे, केतु नैरो गली भी रिप्रेजेंट करता है। आप मून केतु को ऐसे समझे कि एक नैरो कोई गली है, उसमें से पानी जा रहा है, वो गंदा पानी भी होता है। तो मून केतु वाले अपने थॉट्स मोक्ष प्राप्त कर चाहते हैं ना, मतलब वो दूसरों से अलग रहना चाहते हैं, थॉट प्रोसेस उनका इस तरीके का हो जाता है, और ऐसी जगहों से उनका संबंध होता है जो मैंने आपको जगह गिराई। और मून केतु क्या करता है कि पानी वाली जगहों पर बैठना, या पानी वाली वहां पे इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना, सबकॉन्शियसली चीजें करते हैं लोग, ट्रैवल रुक रुक के होता है, और ड्यूरिंग द ट्रैवल इनका इंट्यूशन बहुत हाई हो जाता है, मतलब जब ये ट्रैवल में रहेंगे तो इनका इंट्यूशन बहुत हाई हो जाता है। मून केतु, तो मून केतु हमेशा खराब नहीं है, अच्छा भी होता है, जैसे बेटी पैदा होने के बाद मून केतु इन लिब्रा,
या मून केतु कहीं भी बैठा हो, उसके ट्राइन में मर्करी वीनस बैठे हो, या उसके नेक्स्ट हाउस में किसी वे में मर्करी वीनस कनेक्ट हो जाए, तो बेटी जो पैदा होगी वो लक्ष्मी स्वरूप होगी, है ना। उस समय पे किसी ना कोई नानी प्रेजेंट हुई अगर उस समय, या पड़ोसी की गाय ने, या घर के अंदर किसी गाय ने बछड़ा दे दिया, है ना, तो आप समझिए कि वो लकी है, यानी वो चंद्रमा की चीजों में कमी नहीं कर रहा है, चंद्रमा की चीजों को बढ़ा रहा है। सो मून आपकी लिक्विडिटी है, मून केतु वालों के पास पैसा कम टिकता है, खर्च हो जाता है। सो मून केतु के अंदर एक बहुत सेंसिटिव, इमोशनल सेंसिटिव पर्सन हो जाते हैं, और एक बहुत समय पे वो देने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, मून केतु। ये चंद्रमा केतु की युति है। अगर केतु चंद्रमा की युति भी है तो क्या होता है, आपको क्या कर आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे, ठीक है। मदर आइसोलेशन, मदर स्पिरिचुअल हो सकती हैं। मून केतु वाले बहुत मिलेंगे जिनका एयरफोर्स प्रमाइसिस में जन्म होता है, या एयरफोर्स में कोई काम करता है, या मून केतु का ट्राइन कनेक्शन। सबके नहीं होगा, बिकॉज केतु फ्लैग, केतु ऊपर जाती चीजों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इट इज अ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। मून केतु सीढ़ियों के नीचे आपका बाथरूम होगा, ठीक है, मून केतु, बिकॉज केतु सीढ़ी को भी रिप्रेजेंट करता है, दो चीजों को कनेक्ट करना, इसलिए केतु ब्रिज भी है। दिस इज हाउ द मून केतु वर्क्स। मून केतु आप ये ना समझे कि ये हमेशा खराब है, चंद्र ग्रहण हमेशा खराब नहीं होता, आपके लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ आपको लेके जाएगा, ठीक है। मून केतु हो और उसको मार्स देखता हो, या मार्स उसके ट्राइन में हो, सो यू विल डिस्ट्रीब्यूट फूड एट ए हनुमान टेम्पल, या आपकी मदर विश मांगेगी हनुमान टेम्पल में मुझे भंडारा करवाना। मून केतु सप्तम भाव लिब्रा में हो, मार्स देखता हो, किडनी स्टोन, किडनी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं आपको, बिकॉज मून इज वाटर, केतु श्रिंक करता है, तो ये लोग पानी कम पीते हैं, इसलिए इनको इनको किडनी से रिलेटेड इशू होता है। मून केतु होल्ड करता है ना, वाटर को होल्ड करना, यूरिन को बहुत समय तक होल्ड करना, ठीक है। मून केतु मेडिटेशन की तरफ लेके जाए। मून केतु हो, मार्स देखता हो, मदर को सर्जरी हो जाएगा, यूट्रस रिलेटेड सर्जरी हो सकता है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो ये आपकी बड़ी बहन को होगा, ठीक। तो ये आपके मून और केतु का बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं, बहुत सारी एनर्जीज हैं, कि आप इसको ऐसे समझे और उसकी कर्म को समझे, उसकी कर्मोलॉजी को समझे, कर्म और एस्ट्रोलॉजी है ना, कर्मोलॉजी, कि क्या कर्म शो करता है चंद्रमा केतु। चंद्रमा केतु जिसके चार्ट में हो, शिव से बड़ा संबंध होता है, बिकॉज केतु वो एक किसी चीज की जो धार होती है ना, जैसे किसी चीज की एक धार निकलती है पतली सी, है ना, उसको भी केतु रिप्रेजेंट करता है। और मून गंगा है, या चंद्रमा गंगा है, चंद्रमा पानी है, तो शिव के अगर आप देखेंगे इस जटाओं से क्या निकला, जटा भी केतु है, जटा भी केतु है, तो इसीलिए मून केतु शिव भक्त भी होते हैं, या आसपास शिव का मंदिर होता है जहां वे पैदा होते हैं, पार्वती के उपासक, है ना, माँ पार्वती के उपासक। अगर हम बात करें मून केतु, तो मून केतु वाले जो लोग होते हैं वो नारियल पानी पसंद करते हैं, है ना। मून केतु का एक रेमेडी भी है, नारियल पानी पीना चाहिए जितना हो सके, ठीक है। मून केतु खाने में नमक कम हो जाएगा, है ना, सॉल्ट की कमी हो जाती है, बार बार खाने में नमक या तो बहुत कम करना पड़ता है, या और सिलेक्टिव बना देगा एक समय पर फूड के लिए, आपकी मदर को बना देगा, आपको बना देगा मून केतु, है ना। चंद्रमा के नेक्स्ट हाउस में भी केतु है, तब भी बहुत सेलेक्टिव और सात्विक खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चंद्रमा केतु के बारे में हो गया। अब इसके ट्राइन में जो जो प्लैनेट बैठे, जैसे चंद्रमा केतु के त्रिकोण में शनि बैठा, शिव भक्ति का योग है ये, ठीक है। तो आई थिंक ये चंद्रमा केतु को लेकर के चीजें मैंने आपको बताई, बहुत सारी चीजें और भी हैं। लूनर एक्लिप्स हमेशा खराब नहीं होता, बहुत अच्छी चीजें भी देता है आपको, मानसिक तनाव देता है, लेकिन आप सीख जाएंगे थोड़े समय बाद कि कॉन्स्टेंटली क्यों आपको तनाव दे रहा है, और इसको कैसे हम गेट रिड ऑफ कर सकते हैं, मतलब इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, या हमें केतु क्या सिखा रहा है, ठीक है। केतु मौन है, केतु मासूम है, एक्चुअली केतु इसलिए स्पिरिचुअल प्लैनेट है क्योंकि मैंने बताया केतु के पास हेड नहीं है, हेड हमारे सिर में ईगो होता है, तो केतु के अंदर ईगो नहीं है, केतु ये चाहता है ईगो कम करें, तो केतु ईगो कम करवाता है बस हमसे। केतु फ्री होना चाहता है, केतु इंडिपेंडेंट होना चाहता है, इसलिए मून केतु कॉम्बिनेशन इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन टू वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस,
देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट ये. क्या है कि आप उसके जितने कॉम्बिनेशन बनाते चले जाएंगे प्लैनेट के साथ, हाउसेस के साथ, है वो वहां पे उस वैसे तरीके से इफेक्ट देता है. आई थिंक मून केतु को लेकर बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, स्पेशली केतु को लेकर के. अब बात करें चंद्रमा राहु को लेकर के. देखिए चंद्रमा और राहु की युति भी चंद्र ग्रहण ही आप समझिए इसको, क्योंकि उस राहु मैंने कहा राहु माउथ है, इस माउथ ऑफ सर्प और इस ड्रैगन हेड है ना. तो राहु क्या करता है, राहु उसको निगलना चाहता है, जो भी प्लैनेट उसकी तरफ जाता है उसके कारक तत्व को निगलना चाहता है, लिविंग थिंग्स को. तो मून राहु पानी से भय, या गोवा जाने का शौक हो सकता है, बहुत सारे लोगों को समुद्र के किनारे बैठना होता है, या सी जर्नी, ओवरसीज जर्नी को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन जर्नी को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज मून इज द ट्रैवल, राहु इज द फॉरेन. बट ये क्या करता है, मून राहु के लिए होता है कि राहु कॉन्स्टेंटली डिजायर्स क्रिएट करता है दिमाग में, यार मुझे ये भी करना था अभी, है ना, ख्वाहिशें बहुत है मेरी अभी. मून राहु मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी, एक अननोन फियर भी देता है. मून राहु क्या करता है, कॉन्स्टेंटली थॉट प्रोसेस को कंटिन्यू रहता है. मून केतु क्या है कि एक चीज में, जिस चीज में वो घुस गया वो उसी चीज में रहता है, फिर उसको किसी चीज की सुध-बुध नहीं रहती, उसी में घुस जाता है, फिर वो अब्सेंट माइंड हो जाता है, दूसरी चीजें भूल जाता है, सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें करता है, सुपर कॉन्शियसली बहुत सारी चीजें कर लेता है, इंट्यूटिव होते हैं. मून केतु वाले के देखिए, दो लोग अगर साथ में बैठ जाए जिनका मून केतु का ट्राइन कनेक्शन हो, मून केतु हो, खाना खराब होगा या खाने में बाल आएगा जरूर उस दिन, ठीक है ना. केतु बाल को भी रिप्रेजेंट करता है. तो केतु क्या है, एक जगह पे इतना फोकस करेगा दूसरी चीज में भूल जाएगा. मून राहु क्या है, एक जगह पे फोकस नहीं करेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डुअलिटी लाता है आपको, कॉन्टिन्यूसली थॉट, है ना, एक जैसे एक ब्रह्म जाल होता है उसमें फंसाता हुआ चला जाता है, राउंड राउंड चलता है ना. तो मून राहु क्या करता है कि ख्वाहिशें अभी बहुत है, है ना, आदमी बात ऐसी करता है कि मेरी तो अभी बहुत ख्वाहिशें बाकी है, चाहे वो 70 साल का हो जाए. मून राहु, इसलिए मून राहु बहुत ज्यादा एंग्जाइटी इशू, ओसीडी, ये सारी चीजें क्रिएट करता है, ठीक है ना, बाइपोलर आइडेंटिटीज होना मून राहु. और मून राहु मैंने कहा एक्सट्रीम लेवल पे फूड का या लिक्विड का इनटेक करवाता है आपसे, क्योंकि राहु की आदत है लेना, तो इसलिए ये फूड हैबिट्स है ना खराब होना मून राहु इंडिकेट करता है. चंद्रमा के नेक्स्ट हाउस में राहु हो तब भी अत्यधिक खा लेना, है ना, बोलते बोलते दूसरों को भी खिलाना और खुद भी ज्यादा खा लेना मून राहु होते हैं, पेटू जो आदमी होते हैं वो मून राहु वाले पाए जाते हैं. तो कॉफी हो गया, बाहर की चीजें, जंक फूड, ये सारी चीजें अवॉइड करना चाहिए. अगर आपको मानसिक तनाव रहता है तो सात्विक खाना ज्यादा खाएं, है ना, राहु नहीं आप केतु की तरफ जाए, कम खाएं आप, है ना, छोटे छोटा स्मॉल स्मॉल इंटरवल पे खाएं आप, एक साथ मत खाएं, है ना. राहु और केतु का यही है कि वो पैरेलल ही चलते हैं, तो आप राहु की तरफ ना जाएं, आप केतु की तरफ जाएं, ये इसका रेमेडी हो सकता है कि खाने पीने की हैबिट को आप संभालें. तो मून राहु कुछ वे में बहुत अच्छा है, कुछ वे में बहुत खराब है. मून राहु आपकी मदर को भी इशू क्रिएट करता है, पानी से भय, पानी में डूबने का भय रहता है मून राहु, ठीक है. तो ये चंद्रमा राहु की बात हुई, चंद्रमा राहु की ग्रहण योग की बात हुई. मैं चंद्रमा राहु को ज्यादा खराब मानता हूं चार्ट के अंदर, जहां पर भी होता है वहां पे चीटिंग की हैबिट, वहां पे दूसरों की नजर आपकी, दूसरों लोगों की नजर आप आपकी उस चीज पे रहती है. मून राहु इन द सेवेंथ हाउस, मून राहु इन द सेकंड हाउस, आपके पैसे पे दूसरों का नजर रहेगा तो चीटिंग प्रोन हो जाते हैं आप वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग और भ्रम, माया, इल्यूजन, है ना, सोशल मीडिया, जैसे आप इस समय यूट्यूब देख रहे हैं, इट्स द मून राहु कॉम्बिनेशन, माया में आपको फंसाया जा सकता है. इसीलिए जो हम टीवी में देखते हैं हम बहुत जल्दी उनसे प्रभावित हो जाते हैं, ये मून राहु होता है. इसलिए मून राहु वालों को टीवी, मोबाइल, ये बहुत कम यूज करना चाहिए, ठीक है. सो आई थिंक ये आपका चंद्रमा राहु की युति के बारे में बात हो गई. तो बाकी चंद्रमा राहु के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है. एक और चीज है, जैसे चंद्रमा राहु में हम ये कहते हैं मून राइस होता है, और मून एक कोई फीमेल हो गया, तो मून राहु में क्या होता है कई बार, या चंद्रमा के नेक्स्ट हाउस में राहु, किसी छोटी फीमेल की, कोई छोटी बच्ची की मृत्यु हो जाना अकस्मात, और वो एक प्रेत योनि में है, या उसकी सोल को कोई चीज़ प्रॉपरली मिला नहीं, उसका फाइनल राइट अच्छे से नहीं किया,
तो इस वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां, इल्यूजन्स हो सकते हैं। तो चावल का दान और खीर का दान मून राहु वालों को करना चाहिए, है ना, बिकॉज मून इज द राइस, है ना। तो चावल का दान और खीर का दान करना चाहिए, है ना, उस पर्टिकुलर सोल के लिए, उस पर्टिकुलर नेटिव के लिए, ठीक है। सो ये मून राहु का एक और भी पॉइंट है, ठीक। तो दोनों में डिफरेंस है चंद्रमा राहु और चंद्रमा केतु के अंदर। बाकी चंद्रमा राहु बृहस्पति के साथ जुड़ जाए तो फैटी लीवर दे देगा, लीवर का इशू देगा, है ना, बहुत ज़्यादा इनटेक कर लेना फूड की, या मतलब कुछ पता नहीं है क्या खाना कितना खाना उस वजह से, लेकिन फ्लावरन ट्रैवल दे सकता है, ठीक। तो आई थिंक गुरुओं से चीटिंग हो जाना, ये जुपिटर मून राहु है, तो मून राहु के साथ जो भी प्लैनेट जुड़ जाएगा उसमें बहुत ज़्यादा वास्टनेस, इल्यूजन्स और फ्लक्चुएशन क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे सैटर्न मून राहु केमिकल बनाता है, फूड पॉइजनिंग, कोई आपको कुछ खिला दे, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत थी मुझे किसी ने खिला दिया, मून राहु कॉम्बिनेशन। तो मून राहु कॉम्बिनेशन हो तो आपको दूसरों के हाथ का बहुत कम खाना चाहिए, है ना, दूसरों को खिलाना चाहिए लेकिन खुद बहुत कम खाना चाहिए और घर का फूड ही खाना चाहिए। तो ये क्या है, ये राहु केतु के बारे में है और उसका चंद्रमा के साथ रिलेशन, यानी आपके मून यानी आपके माइंड के साथ उसका क्या रिलेशन, ठीक है। तो आई थिंक ये आज का वीडियो है आप सब लोगों के लिए। चंद्रमा राहु, या राहु जब चंद्रमा के ऊपर जाता है तो आप ऐसी जगहों पे गोचर करते हो, तो आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आउट ऑफ द कम्युनिटी, यानी आपकी कम्युनिटी से अलग लोग रहते हैं, ठीक। या जैसे कि आप मान लीजिए ब्राह्मण हैं तो वहाँ पे कोई और रहेगा, या डिफरेंट कम्युनिटी। इसीलिए राहु मून के ऊपर से जाए, चंद्रमा राहु, इसीलिए फॉरन का योग बनाता है, क्योंकि आप डिफरेंट कम्युनिटी में रहते हैं, आप डिफरेंट कम्युनिटी में रहना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज हाउ द एनर्जी ऑफ द राहु केतु गेट मैनिफेस्टेड, ठीक है। आई थिंक ये आज का वीडियो था, आपको चंद्रमा केतु और एक्लिप्सिस के बारे में जानकारी मिली होगी। अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप हमारे मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं कॉन्फ्रेंस में 4 जून को, आपका बहुत स्वागत है। मिलते हैं आपसे दोबारा बहुत जल्दी बहुत अच्छे वीडियोज़ के साथ। लेते हैं अलविदा, प्रणाम।